हमारा तो टॉप टाइम शुरू हुआ है, खत्म तो मोदी जी का होने वाला है। दोस्तों आप सब लोग जो इस युवा हुंकार रैली में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों अभी हमारे बहुत सारे युवा साथी ने अलग अलग बात कही, थोड़े जोश में भी हैं, स्वाभाविक है, युवाओं की रैली है तो जोश होगा उसमें, और कई बार कुछ ऐसी बात कह दी गई है जिससे वास्तविक रूप में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे सच में हम लोग किसी से नफरत नहीं करते, सच में हम हिंसा नहीं चाहते, सच में हम एक शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं, और इस मंच से हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह बात हम लोगों को कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो इंसा अल्लाह कहना चाहता है इंसा अल्लाह कहे, जो जय श्री राम कहना चाहता है जय श्री राम कहे, जिसको गुरुद्वारा जाना है गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है चर्च जाए, जिसको जिसकी इबादत जिसकी पूजा जिसकी उपासना करना है वो करे। हम किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के लिए नहीं, हम यहाँ संविधान के लिए खड़े हुए, ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों कार्तिक मास बीता है, हम लोग उसको कार्तिक कहते हैं, बहुत शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं तो, और थोड़ा ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो कार्तिक बोलते हैं। तो कार्तिक मास में हर मंदिर में रामचरित मानस का पाठ किया जाता है। रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, आरएसएस तुलसीदास जी को मानती है, उनको बहुत बड़ा कवि मानती है। तुलसीदास कहते हैं कि ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, ये हैं चारण के अधिकारी। मैं तुलसीदास की इस बात से सहमत नहीं हूं और खुला कहता हूं कि इस बात पे मैं तुलसीदास जी का विरोध करता हूं, लेकिन मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि उसी तुलसीदास लिखते हैं रावण रथी विरथी रघुबीरा, मतलब रावण रथ पे है और भगवान श्री राम जो हैं वो बिना रथ के हैं। अब मैं यहां से यदि गोबर पात्रा को पूछूं कि आप आडवाणी जी के रथ यात्रा का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सीना ठोक के कहेंगे ओएनजीसी का डायरेक्टर बने हैं, मंत्री पद मिल जाए, कहेंगे कि करते हैं। तो मैं तुलसीदास का वह लाइन याद दिला करके उनसे पूछूंगा, रावण रथी की रथ रघुबीरा, रथ पर जब रावण खड़ा है तो मुझे बताइए कि भाजपा को रावण राज चाहिए कि राम राज चाहिए, ये बात आप तय कर लीजिए। भाजपा को राम राज नहीं चाहिए, और इसीलिए इस मंच में यह स्पष्टता है कि न किसी धर्म के पक्ष में है न किसी धर्म के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, इसीलिए इंसान और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार आप पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम लोग जो है इस देश के अंदर जो संस्कृति चली जा रही है भारतीय संस्कृति, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं भाई, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम बस एक बार स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि लड़ाई अल्लाह और राम के बीच में होगी तो जीत नाथूराम की होगी, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए चाहे आप कुरान उठा करके पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता उठा करके पढ़ लीजिए, आप बाइबल उठा करके पढ़ लीजिए, आप गुरबानी उठा करके पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी लिखा हुआ है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे उसको पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा जाता है कि भगवान बड़े होते हैं, इंसान जो है उसके अंदर भगवान का रूप होता है। जब इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है तो मैं समझता हूँ अपराजुल के अंदर भी भगवान है, और जो अपराजुल की हत्या कर रहे हैं वो भगवान की निर्मम हत्या कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। कणकण में जब भगवान बसते हैं तब आप मंदिर और मस्जिद क्यों करते हैं? मैं कहता हूं कि जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो आप इंसान होकर के धर्म को क्यों बचाना चाहते हैं? आप समाज बचा लीजिए, आप देश बचा लीजिए, आप मानवता और इंसानियत बचा लीजिए, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे देश में शोरगुल क्यों है, और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, ना आर को कहना है ना जेड को कहना है, इसलिए नहीं कहना है
कि मीडिया की विश्वसनीयता का कम होना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, उनको तो जिसकी चापलूसी और चाटुकारिता करना है वो कर रहे हैं, लेकिन आप यदि इस मुल्क से प्रेम करते हैं तो आपको ये बात तय करनी होगी कि आपको मीडिया की विश्वसनीयता भी बहाल करनी होगी, क्योंकि तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मैं यहां से इस मंच से उन तमाम युवा मीडिया कर्मियों को ये आग्रह प्रस्तुत करता हूं कि जब आप अपने मैनेजमेंट से लड़िएगा ना, जब आपका मजीठिया आयोग का सिफारिश नहीं लागू किया जाएगा ना, जब छटनी करके आपकी नौकरी निकाली जाएगी ना, उसी नंबर पे फोन कीजिएगा जो नंबर सहरा दी है, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आपके लिए संघर्ष करेंगे। ये बात आपको कहना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, हमारी एक लड़ाई किसी एक लिंग के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के अंदर जो ऊंच नीच है उसके खिलाफ समानता के लिए। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। आपको लगता होगा कि इस देश के अंदर वो जो सामने बिल्डिंग बन रही है, वो मजदूर जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, तो आप बुलाते हैं, आप गलती नहीं है। अगर वो मजदूर बिल्डिंग नहीं बना रहा तो उस बिल्डिंग में जो एसी कमरा होगा उस पर आप बैठ करके नेशनल बॉन्ड्स जो टू नो नहीं कर पाएंगे साहब। इस बात को आप समझिए कि देश आज कहां जा रहा है। एक आदमी है, रिलायंस का मालिक है, अनंत अंबानी, कहता है रिलायंस मेरी जान है, देश मेरी जान है। इस पे कोई प्राइम टाइम करेगा क्या? उसको कहेगा कि अनंत अंबानी बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, बोलो हिंदुस्तान हमारी जान है, ये मत बोलो कि रिलायंस हमारी जान है। ये देशद्रोह है कि नहीं? कहां पहुंचे हैं हम यहां पहुंचे हैं। यहां मुझे मोदी जी से सम्पत्ति है कि जिग्नेश मेवानी मोदी जी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग जिग्नेश मेवानी का मजाक उड़ा रहे हैं वो अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकते। जितने आर्टिकल लिखे गए उन तमाम आर्टिकलों को रातों रात इंटरनेट से गायब कर दिया गया। ये है कॉर्पोरेट की ताकत। मोदी जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे नफरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं तो मुझे सिंपैथी होती है, जब आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं तो मुझे सिंपैथी होती है, जब आप कहते हैं कि मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर के काम करती थी तो मुझे सिंपैथी होती है, मुझे उन तमाम लोगों से सिंपैथी होती है जो सुबह उठ करके हाफ पैंट पहन करके साल भर डंडा घुमाता है और मंत्री बनने की जब बारी आती है तो 5 करोड़ रुपया लेकर के मंत्री का सीट बेच देता है। मुझे संपत्ति होती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से दिन रात पोस्टर लगाते हैं और रातों रात जो है दूसरे पार्टी से आदमी को लाकर के मंत्री बना दिया जाता है। अरे भाजपा पार्टी नहीं है, नए ब्रांड का वॉशिंग मशीन है, इधर से जाली और उधर से सदाचारी निकलेगा। कह रहे हैं लालू जी चारा खा गए होंगे। हम इस बात का जांच नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं सरकार से, यदि लालू जी आपको समर्थन कर देते तब वो चारा चोर होते कि सदाचारी होते? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इसका जवाब है आपके पास, सुखराम का बेटा आपकी पार्टी में है। उधर जो वो शारदा स्कैन किया था, क्या नाम था उसका, मुकुल राय आपकी पार्टी में है। जो 282 एमपी है इनका, लिखिएगा भाई साहब अगर आपने हिम्मत होगा, नहीं होगा ना तो आ जाइए हमारे साथ आ जाइए। 109 एमपी ऐसा है जिसके ऊपर बलात्कार हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं। इसी बगल में है लोकसभा में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में पहुंचने के लिए जिस लोकतंत्र ने हमको ताकत दी थी उस लोकतंत्र को ही कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी, जब आपके पीठ पे रिलायंस का हाथ होगा तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, कॉर्पोरेट मजबूत होगा। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए, तब इस देश में लोग आपका मजाक उड़ा सकता है लेकिन अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकता। और कितना प्रेम था भाई, नीता जी जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, मतलब आपकी माँ यदि अपने बच्चों से प्रेम करती है तो वो प्रेम है, और राधिका बेमुला यदि रोहित बेमुला से प्रेम करती है तो प्रेम नहीं है, वो जातिवाद है। नजीब की माँ कहती है
कि मेरे बेटे को ढूंढ करके मिला दो, तो आप कहते हैं कि आप सरकार के बिना वजह सवाल खड़ा करते हैं। जब चंद्रशेखर के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं तो आप कहते हैं कि हम राजनीति चमका रहे हैं, और हमारा राजनीति फ्लॉप करने के लिए देखिए वो महिला पत्रकार जो खाली कुर्सी के पास जाकर के खड़ी हो गई है। तो मैडम जी सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, हम है किसान का बेटा और यहाँ बैठा है किसान का नेता अखिल गोगोई। हमारे पास भीड़ नहीं है, मैं कह देता हूँ स्पष्ट करके, हमारे पास भीड़ नहीं है। भीड़ जो है उनकी रैलियों में होता है, हमारी रैलियों में जिंदा इंसान आए हैं, इस बात को आप जानें। जब मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे किसानी आती है, और किसान के बारे में एक बात जान लीजिएगा, कभी मौका मिले तो प्राइम टीवी पर चला लीजिएगा कि किसान जब बीज लेकर के खेतों में जाता है तो झोली में बीज लेकर के जाता है, मुट्ठी में बीज लेकर के जाता है, और वही बीज जब खेतों में बोई जाती है तो फसल लहलाती है। आपसे वादा करते हैं हमारी राजनीति इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जो शोषित है। सही कहा है भीम आर्मी के उस साथी विनय ने कि हमारी जात शोषितों की जात है, और इस देश के अंदर जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को उठाना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आपके टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, आपका सवाल यदि नहीं उठाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेईमानी और सबसे बड़ा देशद्रोह है, ये सवाल हम समझते हैं। इसीलिए आपके सवाल को उठाने का जो हमने बीड़ा उठाया है, इसमें हम सिर्फ एक बात कह देना चाहते हैं, ना केहू से दोस्ती ना केहू से पैर। तगड़ा खड़ा बाजार में सबके मालिक है, ना केहू से दोस्ती ना केहू से पैर। इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई छिड़ी है, और इस लड़ाई में जो खाली कुर्सियां है वो भीड़ के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। इंसानों से इसी पार्लियामेंट सीट के एक एक इंच को ना भर दिया तो ये हमारा आपसे वादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है, पैसे पे जुटाई भीड़ नहीं है। एक दूसरे लोग यहाँ जो मंच पे खड़े हुए हैं कोई राजनीतिक एमपी एमएलए बनने का सपना नहीं है, इस बात के लिए दोस्ती बनी है कि तुम हमारे घर आओ जब हम मुश्किल में हैं, हम तुम्हारे घर आएंगे जब तुम मुश्किल में हो, और ये चट्टान एकता से हम इस देश को बचाना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से एक बात का अपील करना चाहते हैं कि गुस्सा कितना भी हो आपके अंदर, तकलीफ कितनी भी हो जाए आपको, लेकिन उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। हिंसा उनका हथियार है, नफरत उनकी चीज है, हमको मोहब्बत करनी है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल के भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। इसीलिए अपनी बातचीत में हमको हिंसक नहीं होना है, हमको किसी भी तरीके से नफरत के आधारित कोई विमर्श नहीं खड़ा करना है, क्योंकि जो ट्रोल की भाषा है वो आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी पूरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपनी विचारधारा से एक इंच नहीं भीगेंगे। और गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारा धर्म संविधान है, इसीलिए संवैधानिक रास्ते पे चलना है, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना है, और उसी लोकतंत्र के रास्ते पे चल के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में पुलिस वाले ने कहा कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ए महाराज, सेवन रुपए कमीशन आया है ना, पैसा पहली बार ऐसे हुआ है कि बर्थ जो है बढ़ करके नहीं घट करके मिला है। और आप ही सोचिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पुलिस से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस में कोई आडवाणी जी का बेटा थोड़ी है, किसी किसान मजदूर का बेटा नहीं है ना, आर्मी में कोई जो है पात्रा जी का बेटा थोड़ी जाएगा, अनंत अंबानी जाएगा कॉलेज पे रेफर लेकर के देश की रक्षा करने के लिए, नहीं जाएगा, वो तो कहेगा मुंबई में अमिताभ बच्चन के सामने में रिलायंस मेरी जान है। तो आप लोग भी हमारे ही परिवार से आते हैं, हमारे जैसे ही लोग, आपसे एक सवाल है, आप सोचिएगा इस पे, आप किसी कल्याण से देते हैं, आप जो है स्वच्छता से देते हैं, आप तमाम तरह का टैक्स देते हैं, आपने सब्सिडी छोड़ दिया, रसोई गैस महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इतना कुछ करने के बाद भी सरकार कह रही है कि देश चलाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया चंदा लेना, बताइए मुनासिब है क्या? हर तरह का टैक्स आपसे लिया जा रहा है, हर तरह की महंगाई आप झेल रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कह रही है हमको टैक्स देना पड़ेगा, हमको जो है और टैक्स बढ़ाना है
हमको जो है जीएसटी लगाना है और इससे भी नहीं हुआ तो 80,000 करोड़ रुपया का कर्जा ले रहा है। किसके लिए कर्जा ले रहा है? कि हमारे आपके बच्चों के लिए कर्जा नहीं ले रहा है, हमारे आपके स्कूल और अस्पताल के लिए कर्जा नहीं ले रहा है, ये मारिया और अंबानी अदानी का कर्जा माफ करने के लिए कर्जा ले रहा है। भाई साहब कब समझिएगा इस बात को आप समझिए। इसीलिए जो यह बात आज पूरे के पूरे दौर में फैलाई गई कि रैली नहीं हो रहा है, रैली नहीं हो रहा है, सुनिए ना, पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं दीजिएगा ना, इस देश के खेत खलिहान ऑफिस दफ्तर सड़क रेल रेलवे हर जगह हड़ताल करेंगे, हर जगह रैली करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। हम लोग जो है कोई प्रायोजित काम थोड़ी करते हैं, जनता का सवाल है, जनता की लड़ाई है, जहां जनता जुट जाएगी वहीं डफली बजा करके इस देश के अंदर जो बची खची गुलामी है उसके खिलाफ आजादी का आगाज करने लगेंगे, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, सरकार जब आती है तो पुलिस को बहुत घुमाती है, लेकिन वादा करते हैं आप ही संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़िए, किसी नेता का आपको हाजिरी नहीं बचाना पड़ेगा, यही लोकतंत्र की मजबूती होती है। और आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा, यह रैली रोहित बेमुला के न्याय के लिए है, ये रैली नजीब को वापस ढूंढ के लाने के लिए है, ये रैली चंद्रशेखर आजाद को रिहा कराने के लिए रैली है। और मैं समझता हूं इसमें और नाम जुड़ते चले जाएंगे, आपको बस एक काम करना है कि हमारा पीठ अलग अलग है, उनकी लाठी एक है। हर मामले में देखिए कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार इस देश का हुक्मरान है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उनकी लाठी एक है, अपनी पीठ को एक कर लीजिए भाई साहब, सबको जल से बाहर करेंगे और रैलियों का तांता लगा देंगे, इस देश को बचाने के लिए हमारा वादा है आप तमाम लोगों से। इसीलिए यह जो रैली है, यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट तक नहीं रुकनी चाहिए, इस लड़ाई को हमको हर घर तक पहुंचाना है, तभी जाकर के हम भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों का देश बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को और जिनको भी बात बुरा लगा हो एकदम माफ कर दीजिएगा, दिल से मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।